आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है मित्रों। आज बात करेंगे पुनर्नवा की। पुनर्नवा जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, फिर से नया करने वाला, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करते हुए शरीर के रिजुवनेशन का कार्य करता है, शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को पोषण देने का कार्य करता है। मुख्यतः लीवर और किडनी की रामबाण औषधि है। बुरावया डिफ्यूज़ा निक्टाजिनेसी फैमिली का प्लांट है और कई प्रकार से हम इसको उपयोग में लाते हैं। मित्रों, पुनर्नवा के पत्र का साग बनाकर आप सेवन कीजिए। लीवर को डिटॉक्सिफाई करके ब्लड को प्यूरीफाई करता है। कई बार पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसको भी ठीक करता है। इडिमा की समस्या को पूरी तरह से ठीक करने का कार्य करता है। लीवर के टॉक्सिन्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो लीवर के कारण कई प्रकार के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनको भी सहजता से ठीक करने का कार्य करता है। शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन रखने का कार्य करता है। मैं कहूँ ये वंडरफुल इम्यूनो मॉड्यूलेटर का कार्य करता है। मित्रों, कई एलोपैथिक फॉर्मुलेशंस में इससे तैयार इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऑर्गन की रिजेक्शन से बचाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इन प्रकार के हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हीलिंग, इसमें भी इसकी काफ़ी उपयोगिता बताई गई है। इसके जूस का उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए, अल्सर की हीलिंग के लिए, इंटेस्टाइन के वर्म्स को एक्सपेल करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड और फ्लेवोनॉइड होने के कारण एंटी एजिंग एक्टिविटी भी इसकी होती है। ये एक अच्छा रसायन का भी कार्य करता है। इसके नीचे जो जड़ निकलती है, जड़ का भी कई प्रकार के फॉर्मेशन तैयार किए जाते हैं। जड़ का उपयोग किडनी डिसऑर्डर्स के लिए उपयोग में लाया जाता है। फीमेल हार्मोन को रेगुलेट करने का कार्य करता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करने का कार्य करता है और फर्टिलिटी को बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर की जब टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं तो शरीर की वाइटलिटी भी बढ़ती है और बॉडी के अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। मित्रों, ये जो इसका इन्फ्लोरेसेंस कंडीशन आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस आ जाता है और ये इन्फ्लोरेसेंस आने के बाद कई प्रकार की पुनर्नवा होती है, लाल पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, और इसकी जो रूट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कॉस्टली अफेयर होता है और कुछ लोग ट्राइनथीमा पोर्टुलाकेस्ट्रम की रूट्स को इसके साथ एडल्ट्रेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूँ कि सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि ट्राइनथीमा पोर्टुलाकेस्ट्रम की जो एडल्ट्रेंट रूट है वो इतनी गुणकारी नहीं होती है जितनी कि पुनर्नवा की होती है। और पुनर्नवा रिस्ट को बनाने के लिए भी कुछ फार्मेसीज ट्राइनथीमा की रूट का इस्तेमाल करते हैं रादर देन यूजिंग दैट बुरावया डिफ्यूज़ा, क्योंकि बुरावया डिफ्यूज़ा का रूट एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी कॉस्टली होता है, रूट का साइज़ भी कम होता है। ट्राइनथीमा की रूट काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाती है जो कि कॉमन एडल्ट्रेंट इसका होता है। गुण थोड़े इससे मैच करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके पत्र का जूस पी सकते हैं आप, साग बनाकर खा सकते हैं। बदलते हुए मौसम में आपकी होने वाले बुखार, आपके लंग्स के डिसऑर्डर्स, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक अल्सर, हार्मोनल डिसरेगुलेशन, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, सब प्रकार के रोगों का आसान समाधान है। डायूरेटिक का एक कार्य करता है, किडनी स्टोन के लिए, इम्यूनिटी को बनाने के लिए और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, चाहे वो फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में हों, चाहे मैं कहूँ हैवी मेटल्स हों, उनको भी बाहर निकालने का कार्य करता है। हैवी मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। और इसका जो जूस आप सेवन करते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी अगर कहीं आपको एक्सपोजर हो गया है जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो गई है, उसको भी ठीक करने का कार्य करता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से होने वाली कम्प्रोमाइज इम्यूनिटी को भी ठीक करने का कार्य करता है। मित्रों, इसके जो नोड्स होते हैं, नोड्स के पास से अलग से रूट डेवलप हो जाती हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ नोड्स से भी रूट डेवलप हो जाती है। आप इसको गमले में लगा सकते हैं अच्छे थेरापेटिक बेनिफिट्स के लिए। आप इसको एक एक नोड पे इसको कट लगा के गमले में लगा सकते हैं, साग बनाकर सेवन कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बनाए रखने का, वृद्धावस्था को, एजिंग को रोकने के लिए, चेहरे की कांति को बनाने के लिए इसका पेस्ट बनाकर आप पूरे फेस पे लगाइए। एंटी रिंकल एक्टिविटी होती हैं, चेहरे की कांति को बनाए रखने का, आपको युवा रखने का भी कार्य करता है। बालों के लिए पेस्ट बनाकर बालों को इससे आप लगाइए और लू पम वाटर से वॉश कर लीजिए, अब देखेंगे कि बालों की भी अच्छी हेल्थ हो जाती है। मैं कहूँ पूरी तरह से रिजुवनेशन का कार्य करता है, इसलिए इसको आयुर्वेद में पुनर्नवा कहा गया है।
बुराविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी कुल का ये प्लांट। और अधिक जानकारी के लिए स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिए और अपने कमेंट्स आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।